तो इस टाइम मेरी ना क्लैरिटी अच्छी पता नहीं आ रही होगी नहीं आ रही होगी क्योंकि मेरे पास अभी इस टाइम एप्पल नहीं है। गुडिया डाल डिग्गी में। तो गाइस अभी देखो बॉडी कंडीशन ये बहुत हो गया टाइम से लेकिन फिर भी भैया ना गाड़ी यहाँ तैयार हो चुकी है। एक जा रही है, एक जा रही है, एक और है, पीछे डबलवार भी है, जिम्मेदार आदमी। गाड़ियों का लाइन अप बढ़िया हो चुका है भैया। मेरा चित्र सिंह तेरी सौदा तो तुम लेगा एकदम मस्त मजबूत है भैया। अभी हम लोग तैयार व्यार होकर भैया आ चुका बैठ गए, अब पार्टी निकलने को तैयार है। First rush when the school is out, when the booze is up, when the sun is... So what's up everyone, this is Rishi Chaudhary and welcome to my new vlog guys, Emerald RC Vlogs. So kaise ho sabhi, I hope fit and fine, badhiya, mazhe mein. Sabse pehle to good morning, kyunki abhi is time subah ke baj rahe hain lagbhag 4:30 aur abhi yahi time hai mere uthne ka. Uth karke awaaz ka routine dikhata hoon kaisa rehta. अब सबसे पहले अपना मेरे को बनाना है खाना पीना, अपना सुबह का नाश्ता जिसमें कि वर्कआउट से पहले की मेरी डाइट होगी और उसके बाद मैं निकलूँगा वर्कआउट के लिए और वर्कआउट आज देखते हैं किस पार्ट का होगा। फिर वर्कआउट के बाद दिन का क्या सीन रहेगा, क्या आज का प्रोग्राम है वो आपको आगे पता लगेगा। तो स्टे ट्यून, बने रहो, मैं भी जाके अपना खाना बनाता हूँ फिर मिलता हूँ चलते टाइम जिम के लिए, ठीक है, तैयार होकर के ये रहा। सो गाइस इट्स टाइम टू गो फॉर जिम वर्कआउट। अभी लगभग सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं रेडी हो चुका हूँ। भाई साहब मैं इस टाइम बना पड़ा हूँ नहीं अंदर लगा पोस्ट, सुबह के टाइम अभी हवा था बहुत ज़्यादा, अभी देख सकते हो पूरा ढका हुआ सर्गे मूवी ठंड बहुत लगती है। तो गाइस जिम में तो आ लिए हैं, अब गाने पाने चलने तो उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक मुझे ऐड करना पड़ेगा। वर्कआउट करते हैं शुरू, अभी आज का जहाँ तक है शोल्डर वर्कआउट होगा, करते हैं स्टार्ट। तो गाइस पहले ही सेट में है ना, देखो ट्रैप्स है ना पूरे खड़क चुके हैं, वर्कआउट लगाने में बड़ा मज़ा आएगा वो। गाइस अभी हम लोग तैयार व्यार होकर भैया आ चुका बैठ गए, अब पार्टी निकलने को तैयार है। गाड़ी चल कर पहले रुकेगी पेट्रोल पंप पर, उसके बाद गाड़ी यहाँ तैयार हो चुकी है, ठीक है। एक जा रही है, एक जा रही है, एक वो है, पीछे डब्लू आर भी है और देखते हैं कौन कौन सी जाएगी।
गाड़ियों का लाइनअप भैया हो चुका तैयार मेरठ क्षेत्र से। मैं चल रहा हूँ आगे, अपनी स्विफ्ट चल रही है, स्विफ्ट से आगे चल रही है BSF। अब पीछे अपनी दो गाड़ी और आ रही हैं, बाकी आगे जाके हाँ वही है। मेरठ से निकलते ही ऐसे ट्रैफिक में फंसना दिन के टाइम लाजमी था। खैर आज तो सुबह से दिन ऐसे चल रहा मेरा, वर्कआउट करके आया, आने के बाद सोचा ले आज पैंट शर्ट थोड़ा सा डाल लूँगा सही से। पता लगा सुबह सुबह प्रेस करने बैठा पैंट ही चल गई, नई पैंट में छेद हो गए इधर। उसके बाद भैया का फ़ोन आया ना टाइम से जल्दी, मैंने कहा ओके ठीक है आ रहा हूँ भैया भैया ओके, पहुँच तो गया टाइम से लेकिन फिर भी भैया ने सुबह से उतार दी मेरे में। टाइम का नहीं पता तेरे को है कैसे चलना कैसे नहीं, ये वो गाड़ी में फ्यूल नहीं है क्या करेगा है कैसे लेके जाएगा। मैंने कहा ठीक है जाते रहो। अब भैया मेरे साथ गाड़ी में दीदी हैं, भाभी हैं, चुन्नू बैठी है और परी बैठी है। नोनू जाग रही थी, सो गई नोनू, तो हमारी सो गई, चिप्स खा के सो गई है। तो हाँ तो इस टाइम भी है ना क्लियरिटी अच्छी पता नहीं आ रही होगी नहीं आ रही होगी, क्योंकि मेरे पास अभी इस टाइम एप्पल नहीं है, अपने नॉर्मल फ़ोन से ही मैं अपना ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। सोच रहा था सुबह मैंने कैमरा भी चार्ज पर लगा दिया, मैं कैमरा लेकर चलते हैं, फिर दिमाग में आया कि भाई सीन ये है जाते जाते कुछ नहीं पता कहाँ अपना काम होगा कहाँ नहीं होगा, रुकना होगा कैसे संभालेंगे कैमरे को, कैमरे का सेटअप बेकार हो जाता तो और भी सीन बनते, तो इस वजह से मैंने पोस्टपोन ही कर दिया कैमरे का, मैंने कहा आज नहीं कल वल को देखेंगे। तो अभी मिल गया खुला रास्ता, तो फाइनली अपनी पार्टी पहुंच चुकी है भाई डेस्टिनेशन पे, और अभी गाड़ियां आने को है, सबसे पहले हम ही आ गए, तो सबसे बाद में निकल लेते हैं ना, तो पहले पहुंच चुके हैं, बाकी गाड़ियों का भी पता नहीं हमें। पार्टी अपनी मिल चुकी है यहीं भाई। यस यस ब्रो, क्या अरे ये तो मेन है, ये तो दो आदमी मेन है टाइम से। ओए राहुल राहुल, ये भी राहुल है ना। अच्छा दो चार गाड़ी आने को, बाबा है क्या, तू कुछ मत बोलियो, हेलो बच्चों कुछ बोलियो। हाँ भाई डोसा तैयार, साठ वाला मिक्स वेज है, देख ले लगवा ले। तेरी सोदा तो तुम लेगा एकदम मस्त मजबूत भैया, यही तो चाहिए था, इसी की तो कमी थी। खेलो बच्चों, ले लो बच्चों, खेलो बच्चों टिक्की। कुछ तो है, क्या है बीच का, वो भी बढ़िया बीच का। यहाँ हमारे बब्बू भाई है ना लेकर कलम खैर, सोलो भी ले और ग्रुप भी ले, सब कुछ खींचे जा रहे हैं। यहाँ हमारा साठ वाला डोसा लुट गया, इसे मत लुटवाओ, ऐसे ही तो गोटिया डाल डिग्गी में। रात का काम तय है भाई साहब, मजबूत काम हो जाएगा। 2000 years later. तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं अपना वेडिंग डेस्टिनेशन पर। अब यहाँ पे आप सभी को एक जिम्मेदार आदमी से मिलवाता हूँ, ये तो है ही जिम्मेदार, यहाँ के जिम्मेदार आदमी भारी जिम्मेदारी वाला काम लिया। देखो गाइस तेरे जैविक नगर के, देखो रात के 1 बज रहे हैं, देखो झुंड बना के कैसे लग रहे, देखो अब बताओ, देखो देखो इन्हें देखो देखो इनको खाना, देखो खाना खाना देखो देखो, अरे गुरु युवे इनके सबका मालिक, देखो 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 खाना खाते नहीं है, देखो देखो खाते नहीं है तोड़ते हैं, अरे ये है ना ये, देखो 8 बजे तक खाना पूरा, 8 बजे तक ठीक है ठीक है। तो
जयभीम नगर वाले देखो रात के 1 बज रहे हैं। देखो गाइस ये भूखे पड़ते हैं, कहीं बारात हो जाती है। देखो ये देखो ये देखो 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 कुछ कुछ होते हैं। देखो इधर देखो कुछ, ये देखो स्टेट के लड़के आए कुछ। देखो 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 चमक रहे, चमक भी ना रहे। नहीं जाने पड़ेगा।